भारत बांग्लादेश मैच एक ऐसा मैच जो आन बान शान के लिए भारत के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, और उसमें भारत आखिरी ओवर तक संघर्ष करता हुआ अंत में 6 रन से मैच हार गया और बांग्लादेश को 6 रन से विजय प्राप्त हुई। भारत ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग को चुना और बांग्लादेश को 50 ओवर में 265 रन पर 8 विकेट लेके बांग्लादेश की पारी को समाप्त किया। और बांग्लादेश की तरफ से साकिब अल हसन ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया, उन्होंने 86 बॉल में 80 रन बनाए और जिसमें 4 चौके 3 छक्के लगाए। और इसके अलावा तौहीद हृदय ने 81 बॉल पर महत्वपूर्ण 54 रन बनाए और अर्धशतक लगाया जिसमें 5 चौके और 2 छक्के। और नसून अहमद ने 44 रन बनाए 45 गेंद में, 6 चौके और 1 छक्का लगाया। और मेहंदी हसन ने लास्ट के ओवरों में 23 बॉल पर 29 रन बनाए जिसकी सहायता से बांग्लादेश ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 265 रन बनाए। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 8 ओवर में 2 विकेट लिए, शार्दुल ठाकुर ने 10 ओवर में 65 रन देकर 3 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट लिया और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 9 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट लिया। तिलक वर्मा ने भी गेंदबाजी में हाथ आजमाया और 4 ओवर में 21 रन दिए, कोई भी सफलता नहीं मिली। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 33 रन देकर 53 रन देकर 1 विकेट लिया। और रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी गेंदबाजी की। इसके बाद जब भारत का नंबर आया तो भारत का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया और रोहित शर्मा 2 गेंदों में कोई रन बिना बनाए ही आउट हो गए। और उसके बाद शुभमन गिल ने 121 रन बनाए 133 बॉलों में जिसमें 4 चौके और 5 छक्के लगाए, लेकिन उनका ये शतक बेकार गया, इस शतक पे पानी फिर गया क्योंकि भारत 6 रन से मैच हार गया। शुभमन गिल के अलावा केएल राहुल ने 19 रन बनाए 39 बॉल में और मात्र 2 चौके लगाए। सूर्य कुमार यादव ने 34 बॉल में 26 रन बनाए और 3 चौके लगाए। रविंद्र जडेजा ने 12 बॉल में 7 रन बनाए। और अंत के ओवरों में अक्षर पटेल ने एक उम्मीद जगाई कि वो मैच जीत कर ही जाएंगे और भारत को मैच जिताएंगे। 34 बॉल में 42 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 2 छक्के लगाए। और शार्दुल ठाकुर ने 13 बॉल में 11 रन बनाए, लेकिन अक्षर पटेल जल्दी रन बनाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। अब वहीं से रही सही भारत के मैच जीतने की उम्मीदें भी टूट गईं। उसके बाद मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी और आखिरी ओवर में ये दोनों जोड़ी मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा ने ज़रूरी रन नहीं बना पाए और अंततः भारत 6 रन से बांग्लादेश से मैच हार गया। भारत 6 रन से मैच हार गया, उसमें बांग्लादेश के गेंदबाजों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। मुस्तफिजुर रहमान ने 8 ओवर में 50 रन देके 3 विकेट लिए और मेहंदी हसन ने 9 ओवर में 50 रन देकर 2 विकेट लिए। और तंजीम हसन ने 8 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए और नसीम अहमद, साकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज को 1-1 विकेट मिला। इस प्रकार इंडिया 6 रन से मैच